हम लोग पहुँच गए आसनसोल स्टेशन। बहुत जल्दी हम लोग को पहुँचा दिया है। अभी घड़ी में 7:10 ही हो रहा है। यहाँ से हम लोग जाएंगे कंट्रोल में, देखेंगे कंट्रोल में काम कैसे होता है। ये सामने कैंटीन, लेकिन अभी फ़िलहाल शायद खुला नहीं, 9 बजे खुलता है, इसीलिए हम लोग अभी डायरेक्ट कंट्रोल में एंटर करेंगे। ये हम लोग का कंट्रोल रूम, यही से पूरा आसनसोल डिवीजन कंट्रोल चलता है। चलिए आगे देखते हैं बाकी सब। हम लोग पहुँच गए अभी कंट्रोल रूम, आप लोग दिखा दिए कंट्रोल रूम ऐसे, ठीक है। यहाँ से ही आपका आप लोग का डिवीजन का पूरा कंट्रोल होता है। हम लोग दिखाएंगे ट्रेन का ऑपरेशन चलता है, कंट्रोल में पूरा कंट्रोल चलता है। और यहाँ पे हम लोग बाकी सब देखिए ट्रेनी भाई लोग आगे पहुँच गए सुबह सुबह। हम लोग का मतलब थोड़ा भूख भी लगा है, सुबह सुबह 5 बजे में 4 बजे मेरे को हम लोग को निकलना पड़ा रूम से, ब्रेकफास्ट किया नहीं अभी तक। हम लोग भगत सर भी अभी आ गया, हम लोग से पहले ही पहुंच गए यहाँ पे। मॉर्निंग सर। अच्छा 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 लगा होगा। सब फिर मेरा अकेले तो अभी फिलहाल अंदर में एक साथ सब नहीं होगा, इसलिए 10 जन करके जाएंगे। 121 से 130 तक बुलाया, बाकी सब हम लोग के बाद में जाएंगे। तो हम लोग अभी घुस रहे हैं आसनसोल डिवीजन का इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट TRD, यही से पूरा TRD का कंट्रोल होता है, वही चीज का। बाकी सब ट्रेनिंग पहुँच गए जाते हैं, चलिए अंदर जाके देखते हैं। फिलहाल हम लोग अभी आसनसोल स्टेशन पे है, ठीक है, देखिए यहाँ पे। और अभी अभी जा रहे PRS में जा रहे हैं, जहाँ पर रिजर्वेशन होता है, वहाँ पे देखेंगे कैसे टिकट काटा जाता है। और हम लोग अभी हाँ खाना खाने के बाद और चेहरे को चेहरे का वो देख ले, पता चला बिगड़ गया, सब काला कलर लग रहा है। हाँ ना, हम लोग जाएंगे सीखेंगे, सीखने के लिए आए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे जाके देखते हैं क्या है। हम लोग अभी जाएंगे पार्सल ऑफिस। दीपक जी,
यहाँ पे देखिए रेस्टोरेंट व्हील है जो कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है। आइए आसनसोल में आइए, यहाँ पे स्वादिष्ट खाने का आनंद लीजिए। हम लोग अभी पार्सल ऑफिस में है, पार्सल का बुकिंग यही से होता है। यहाँ पे देखिए सभी ट्रेनी अपना वेट का मेजरमेंट करते हुए। सेम है मेरा है ये हैवी और ड्राइवर देखिए कितना वेट आया इतना सबका कितना हो गया भाई, मैं तो वाला खाना 65 रुपए का पैसा गलत आ रहा था। कितना बचा? हाँ 81 पूरे 66। यहाँ पे अभी चल रहे बुकिंग के लिए। हाँ इसको बोलता है फॉरवर्डिंग नोट, एफएम बोलता है। ये पार्सल बुकिंग के समय ये यूज़ होता है, भरा जाता है। इसमें रहिए यहाँ पे आपका नेम है, एड्रेस है, और मतलब कहाँ से कौन सा में छोड़ेगा और कहाँ तक पहुँचेगा, बाकी डिटेल्स यहाँ पे भरा हुआ है। और कौन सा स्टेशन मास्टर स्टेशन कौन सा है, बाकी सब डिटेल्स यहाँ पे भरा हुआ है। ये है फॉरवर्डिंग नोट, ठीक है। हाँ क्या क्या सवाल था? हाँ सर वेटिंग टिकट का कंफर्म होता है। नहीं उसको ठीक है, वही ठीक है। बिजी जा रहा है बहुत टायर्ड है हम लोग, ठीक है। हम लोग का स्टडी टूर अभी समाप्त होने वाले, हम लोग आसनसोल से निकल गए, ठीक है। तो अभी फिलहाल धनबाद भी उतरेंगे, धनबाद पे उतरने के बाद फिर गोली स्टेशन गोली स्टेशन जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग का बहुत खुशी है और अभी भी बहुत टायर्ड लग रहा है, तो इसलिए अब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बाकी सब तो दिखा दीजिए बाहर, देखिए गाइस हम सब जा रहे हैं। हम लोग का जर्नी यही तक था। हम लोगों ने आज बहुत अच्छा अच्छा चीज सीखा, लैंड ट्रेनिंग में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिली। हाँ हमें RRI पैनल के बारे में भी जानकारी मिली। हाँ आगे बताइए, अभी बताइए कुछ और क्या देखे, काउंटर में क्या देखे, पार्सल में क्या देखे, बहुत सारा चीज बोलिए। पार्सल ऑफिस गए वहाँ पे कैसे सामान का पार्सलिंग किया जाता है। हाँ और उससे पहले फॉरवर्डिंग नोट भरना पड़ता था। हाँ, हाँ। जो कि हम लोग ने देखा और अनुभव लिया फॉरवर्डिंग नोट भर के, और सामान का सबसे पहले वजन किया जाता है। बहुत सारे सामान वहाँ पे पड़े हुए थे जिसमें कि बाइक पूरा नहीं है, और उसके बाद हम लोग बुकिंग ऑफिस गए वहाँ पे यात्रियों के लिए जो टिकट का सुविधा है वो सीखा कैसे काटा जाता है। और हम लोग वहाँ पे केबिन गए आसनसोल
केबिन में रूट रिले इंटरलॉकिंग था, उसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है गाड़ी का परिचालन किया जाता है, और कुछ डिवीजन का भी काम से डिवीजन के। और तो अब हम लोग वापस आ चुके हैं धनबाद पार्सल ऑफिस में। हम देखा आप अपना वेट माप रहे थे, कितना वेट है आपका? वेट 65 राउंड। तो वेट तो ठीक ही है। मुझे आपका कितना वेट है? मेरा वेट 64। और डिवीजन में कुछ बातचीत भी हो गया कि कब हम लोग का कुछ काम था आपका ना? काम होगा। हम लोगों का लैंड ट्रेनिंग के बारे में जानकारी मिली, हम लोगों का लैंड ट्रेनिंग 2 महीने का होने वाला है। 2 महीने गर्मी में हम लोग पूरा तबाह होने वाले हैं, मई और जून। उसके बाद हम लोग अभी भूल ही जा रहे हैं फिर से वो चोकर वाली रोटी सबसे फेवरेट खाने के लिए। खाने का वीडियो लेके और वीडियो शायद आएगा। खाने का वीडियो करेंगे बहुत जल्दी, खाने का वीडियो लाएंगे हम लोग। उस पर विचार चल रहा है कि कब हम लोग 15 तारीख को हम लोग यहाँ से जाएंगे, तो उससे पहले कोशिश करेंगे। हाँ, वो वीडियो का दाल रोटी भुजिया क्या क्या खिलाता है। ठीक है, फिर अच्छा लगा बात करके। दो पीला कहाँ चल रहा है? हाँ, आगे का सिग्नल होगा। गोपी लगा एक्सपेक्ट है। हम लोग थोड़ा कंफ्यूजन में है, यहाँ पे स्टार्टर में डबल येलो है। जनरली स्टार्टर में डबल येलो रहता नहीं है, तो आप लोग को पता होने से थोड़ा कमेंट में मेंशन कीजिए स्टार्टर में डबल येलो कब कब होता है। दोस्तों, आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोबारा आएंगे नया वीडियो के साथ। धन्यवाद।